नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं एवी न्यूज। मुहर्रम को लेकर मुस्लिम समुदाय में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इसको लेकर ताजिया जुलूस भी निकाली जा रही है। आपको बता दें कि इस बीच गोड्डा जिले की अगर बात करें तो यहां तमाम ताजिया जुलूस निकाली गई और इसमें कांग्रेस नेता निरंजन सिन्हा समेत तमाम कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए। आपको बता दें कि गोड्डा जिले के महगामा विधानसभा में इस तरीके से एक जुलूस निकाला गया जिसमें कांग्रेस नेता निरंजन सिन्हा सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने भाग लिया। आपको बता दें कि जुलूस में तलवारबाजी, लाठीबाजी और आदि करतब भी दिखाए गए हैं। पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम मनाया गया और लोगों ने इस अवसर पर निकाले जो जुलूस निकाले गए थे उसमें तमाम प्रदर्शन किए हैं। इस दौरान जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष निरंजन सिन्हा ने अजय एवी न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि सभी जगह शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया है और पूरी तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम मनाया गया है। इस दौरान निरंजन सिन्हा ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुन लीजिए। समाज का सेवा करूंगा, चूंकि एनके सिन्हा के बारे में लोग जानते हैं कि निरंजन सिन्हा कभी भी जमात का सेवा किया है और हजारों उदाहरण है जो कि मैं हर समाज को मदद किए हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और मौका मिलेगा तो महगामा विधानसभा से हजारों युवाओं को हर साल रोजगार और नौकरी दिलाने का काम करूंगा। आज मैं गढ़ी पंचायत में मुहर्रम के त्यौहार के शुभ अवसर पर सभी मुस्लिम भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हम सब इसी तरह का सब समाज के लोग मिल करके मुस्लिम त्यौहार का आनंद लें और सब मिलजुल करके रहें। आज हम लोग गढ़ी पंचायत में यहाँ पर अपने पंचायत में सभी लोगों से हमारे महगामा विधानसभा के नेता कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष निरंजन सिन्हा जी का आगमन हुआ है और हम लोग सभी जो त्यौहार है मुहर्रम का उसमें सभी मुस्लिम भाइयों को हम लोग शुभकामना देते हैं और आपस में भाईचारगी निभा करके देश में शांति कायम रखने का उम्मीद करते हैं और हम लोग इस मुहर्रम का पर्व को धूमधाम से मनाने की शुभकामना देते हैं। हम लोग सब साथ हैं।